स्टार्ट किया जाए ना, ये कमेंट हटाना है, ये जो कमेंट लगा हुआ है इसको हटाना है। कहां से जाके हटाएंगे? कमेंट जो भी लगाया जाता है रिव्यू टैब में जाके लगाया जाता है, ठीक है। और अगर डिलीट करना है कमेंट को तो यहां से डिलीट कर दो, तो अब ये कमेंट नहीं दिखेगा। रेड सा जो सिंबल दिख रहा था वो हट गया, हट गया ना, तो कमेंट को इस तरीके से हटा सकते हैं। अब ये जो तुमने लिख रखा है रोल नंबर, फिर ये सब्जेक्ट का नाम है, स्टूडेंट का नेम है, तो कुल मिलाकर चार सब्जेक्ट का नाम है। कोई और भी सब्जेक्ट है? इतना ही सब्जेक्ट है? एक सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का, ठीक है, ठीक है ना। अब यहां पर टोटल करेंगे तो टोटल कर देते हैं, टोटल हो गया, हो गया ना। अब यहां पे वन है रोल नंबर, ये क्या लिखी हो, इसको हटा दो। यहां पे रोल नंबर वन है और ये टू है। तो एक्सेल में एक क्वालिटी पाई जाती है इनेबल फिल हैंडल की, क्या होती है ये, कहां से आता है इनेबल फिल हैंडल? यहां पे जाओगी ना, यहां पर राइट क्लिक करोगी तो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार ये दिख जाएगा, ठीक है। और यहां पर ओके करोगी ना तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब यहां पर जब जाओगी पॉपुलर में तो यहां पे देखो इस तरह से आएगा, फॉर्मूला में जाओगी तो इस तरह से आएगा, ठीक है, और प्रूफिंग में जाओगी तो इस तरह से आएगा, एडवांस में जाओगी तो इस तरह से आएगा। इसमें देखो इनेबल फिल हैंडल कहीं दिया है, ऊपर से नीचे तक पढ़ो तो दिया है ना। अगर इस पे अनटिक कर देती हो तुम, देखो ये अनटिक हो गया, तो ये अब इनेबल फिल हैंडल क्या करता था कि अगर हम संडे लिख दें तो मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे अपने आप आता था। नहीं विश्वास हो रहा है, देखो ये देखो कैसे होता था। ये कस्टमाइज पे है, हमको कहा आना है प्रूफिंग पे ना, नहीं एडवांस पे आना है, और ये था ना इनेबल फिल हैंडल। अब इस पे दोबारा मैं टिक करके ओके कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना, हो गया। अब होगा क्या कि अगर इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया मैंने तो अब एक्सेल ये समझ गया कि एक के बाद दो आया है तो फिर तीन चार पांच छह सात आठ ये ऑटोमेटिकली आता चला जाएगा, ठीक है ना। तो अभी क्या होगा, यहां से अगर मैं ट्रैक करता हूं इसको तो तीन चार पांच छह सात ऐसे आता चला जा रहा है, अपने आप आ रहा है ना। तो अब क्या करना है, अब अगर मान लो तुम संडे मंडे लिखती हो, जैसे मान लो केवल संडे लिख दिया, एसयूएन सन हो गया संडे, ठीक है। अब इसको खाली मैं ड्रैग कर दूं तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अपने आप आता चला जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं इनेबल फिल हैंडल। जनवरी फरवरी लिख दिया, जनवरी खाली जनवरी लिख दिया, हो गया, एक्सेल समझ गया कि अब तुम महीने का नाम लिखना चाहते हो तो ये फरवरी मार्च अप्रैल अपने आप आता चला जाएगा, तो इसे कहते हैं इनेबल फिल हैंडल, ठीक है। अब मान लो दो का पहाड़ा लिख रही हो तो दो 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 ना चार, ठीक है, तो ये हो गया। और यहां पर इसको पकड़ो दोनों को और यहां से ड्रैग कर दो, तो ये देखो दो का पहाड़ा आने लगा, यहां पे टेबल आने लगा। बात समझ में आ रही है इनेबल फिल हैंडल क्या होता है? तो ये इनेबल फिल हैंडल होता है। अच्छा, ये ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, जो मैंने ऑफ किया था अभी, तो यहां पे जाएंगे एडवांस पे जाएंगे और इनेबल फिल हैंडल यही है ना, नहीं यही तो है इनेबल फिल हैंडल, ये ओके कर दो। अब यहां पे जरा देखते हैं दो का पहाड़ा लिखते हैं, दो एकम दो, दो दुना चार, दो का पहाड़ा लिखते हैं फिर से। इन दोनों को सेलेक्ट किया था हमने और ड्रैग किया था, तो ये ड्रैग करने वाला ही नहीं आ रहा है यहाँ पे, देखो आ रहा है कहीं कुछ गायब, ठीक है। यहां पर हम लिखते थे कुछ भी तो ड्रैग करने वाला नीचे आता था, यहाँ पर एक चौकोर सा बॉक्स बन जाता था यहाँ कोने में, वो अब नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ये होता है इनेबल फिल हैंडल। बात समझ में आ रही है कि नहीं, इनेबल फिल हैंडल क्या होता है, ठीक है। अब अगर इनेबल फिल हैंडल ऑन कर लेते हैं हम, जैसे कि हमने ऑन किया था, ठीक है, कस्टमाइज पे जाके और फिर यहाँ एडवांस पे जाके इनेबल फिल हैंडल को ऑन कर लेते हैं और फिर यहां से ओके प्रेस कर देते हैं, तो अब फायदा ये होगा कि अब यहाँ पे देखो चौकोर सा बॉक्स दिखाई पड़ने लगा है, देखो आ रहा है ना, पहले नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे नाम ओम लिख दो, जैसे ड्रॉप डाउन भी बना सकती हो तुम। ड्रॉप डाउन कैसे बनाओगी, ड्रॉप डाउन बनाने आता है? नहीं आता है। कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर इन कहां तक ड्रॉप डाउन बनाना है, यहीं तक बनाना है ना, सात स्टूडेंट के नाम लिखने, अगर और भी ज्यादा हो तो उतना सेलेक्ट कर लेना जितना तुम्हें चाहिए, ठीक है। हमें सिर्फ साथ ही चाहिए तो साथ ही क्यों सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है, डेटा टैब पे जाना है, डेटा टैब पे आ गए, अब फिर यहां पे आना है डेटा वैलिडेशन, ये दिख रहा है डेटा वैलिडेशन, यहां पर आकर के डेटा वैलिडेशन पे जाकर के, और यहां पे लिखा हुआ है एनी वैल्यू, ये दिख रहा है एनी वैल्यू, यहां पे कर देंगे हम लिस्ट। लिस्ट कहीं दिख रहा है इसमें, देखो ड्रॉपडाउन में कहीं है, कहां है, डेट के बाद ऊपर है, ठीक। अब इसमें नाम भरो तो कॉमा दे दे के नाम भरना है, स्टूडेंट का नाम भरो जल्दी, पकड़ो ये पहला अक्षर कैपिटल लिखो, सब स्मॉल में लिखती हो, कॉमा दो, ओके प्रेस करो, तुम ओके प्रेस करो,
हो गया। अब देखो नीचे एक ड्रॉप डाउन दिख रहा है, तीर सा दिख रहा है, एरो सा दिख रहा है, थोड़ा वहां पे क्लिक करो, देखो क्या होता है, तीरवा पे क्लिक करो, सब आ रहा है। हाँ तो एक नमवा चूज कर लो। तो रोल नंबर वन किसका रखना चाहती हो? मान लो तुम टीचर हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी रखा जा सकता है, लेकिन अभी लाइन वाइज चूज कर लो। अभी बताते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये कैसे होगा, चूज कर लो। अब दूसरे पे जाओ, दूसरे पे क्लिक करो, दूसरे कॉलम पे क्लिक करो, फिर वहां से ड्रॉप डाउन फिर चूज करो, एरो एरो पे जाओ, एरो जो बनी हुई है यहां से फिर चूज कर लो, देखो कौन सा नाम चाहिए, सेलेक्ट किए उतने ही में आएगा ये ड्रॉप डाउन। नीचे नहीं आएगा इसके, नीचे जाओ, हो गया हो गया, नीचे आओ, वहां पे आ रहा है, क्योंकि सेलेक्ट ही नहीं किया था हमने, तो कैसे आएगा? आ रही है बात समझ में? अब यहां पर दो फॉर्मूले जो मैं लगाता हूं बहुत ज्यादा सिखाने के लिए। अब देखो हमको नंबर देना है, जल्दी जल्दी नंबर देना है, तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू रैंड बिटवीन फॉर्मूला लगा लेंगे। रैंड का मतलब ये होता है कि रैंडमली ये नंबर दे देगा, रैंडमली मतलब कहीं से भी उठा के कुछ भी नंबर दे देगा। जो दो नंबर हम इसको देंगे, एक होगा सबसे लोअर वाला और एक होगा सबसे अपर वाला, यानी कि कम से कम इतना और ज्यादा से ज्यादा इतना, इन दोनों के बीच की कोई भी संख्या उठा करके ये दे देता है। आ रही बात समझ में? तो रैंड बिटवीन पे आ गए, ये टैप किया हमने, अब सबसे कम, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बॉटम, बॉटम का मतलब क्या होता है, नीचे वाला। मान लो कोई बच्चा होगा जो सबसे कम नंबर पाए, तो कितना नंबर पाए, 100 में 2 नंबर पाए, है ना, 100 में 2 नंबर दोगी टीचर बन जाओगी, तो और सबसे ज्यादा पाए तो बंद कर दो, एंटर प्रेस करो। इसके बाद फिर यहाँ पे आए और यहां से ये देखो ड्रॉप डाउन फिर बन रही है, ये जो ड्रैग करने वाला आ रहा था इनेबल फिल हैंडल को ऑफ कर देने पे ये नहीं आएगा, तो इसको हमने लेके आए हैं क्योंकि इनेबल फिल हैंडल ऑन है, इसीलिए आ रहा है। अब इसको नीचे तक ड्रैग कर दो। अब प्रॉब्लम ये है कि ये रैंडमली आ रहा है, तो ये अपने आप चेंज भी होता रहेगा क्योंकि फॉर्मूला लगाया ना हमने। देखो F2 प्रेस करोगी फंक्शन बटन, तो यहाँ पे दिखेगा कि रैंड बिटवीन फॉर्मूला लगा हुआ है, देखो लगा हुआ है ना। अब देखो एंटर प्रेस किया, यहाँ पे 3 हो गया। बाहर क्लिक करोगी ना, यहाँ बाहर में कहीं भी क्लिक कर दोगी, ऐसे क्लिक करती रहोगी तो ये अपने आप चेंज होगा। यहाँ पे 3 दिख रहा है ना, अभी देखो देखो अब 25 हो गया, तो फिर हमारा रिजल्ट अफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहां से यहां तक सिलेक्शन में लेते हैं, और कीबोर्ड में एक तो बटन होता है राइट क्लिक का, हम माउस से काम नहीं करेंगे, कीबोर्ड में से करेंगे। तो ये कीबोर्ड में से राइट क्लिक कर दिया, ठीक है, और ये कॉपी कर लिया, ये कॉपी कर दिया, बहुत आसान है, ठीक है। और फिर ये राइट क्लिक किया, और पेस्ट स्पेशल एक ऑप्शन होता है, ठीक है, बताए थे हम पेस्ट स्पेशल क्या होता है, कैसे यूज होता है। फिर यहां पर आओगी, फिर वैल्यू बना दो, इसको बना दिया, एंटर प्रेस कर दो, अभी सब बढ़िया हो गया। अभी कितना भी बार क्लिक करोगे ना, तो 25 का 25 ही रहेगा, 12 का 12 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पर क्या करना है हमको कि टोटल करना है, तो टोटल करने के लिए एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला किससे शुरू होता है, इज इक्वल टू से शुरू होता है। अब हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं ना दोनों के बीच में, किसके किसके बीच में, एक तो लिब्रा कैल्क के बीच में और एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बीच में। तो पहले एक्सेल बता रहा हूं, तो ये आ गए, ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब खाली क्या करना है, सम का फॉर्मूला लगाया। अब चूंकि एक ही लाइन में है, ये देखो लाइन हमको चेंज नहीं करनी, ऐसा नहीं कि पहला जो है यहाँ पे आना है फिर यहाँ पे, ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना, सिलेक्शन उल्टा सीधा हो जाएगा। अगर पहली लाइन इसको सेलेक्ट करनी हो, दूसरी लाइन इसको करनी हो, तीसरी लाइन इसको करनी हो, तो फिर सम का फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, अब दिक्कत होगी फॉर्मूला लगाने में। हमको सीधा सीधा सेलेक्ट करना है, इसीलिए सम का फॉर्मूला यूज करके इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेल एड्रेस आ गया, सेल एड्रेस के बारे में बताने की जरूरत नहीं, बहुत बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, 3 तरह के सेल एड्रेस होते हैं, रिलेटिव, मिक्स्ड और एब्सोल्यूट, ठीक है। एंटर प्रेस किया और यहाँ पे टोटल आ गया। अब यहाँ पे खाली दो बार डबल क्लिक कर दोगी, आ जाएगा ये सब, आ गया ना, थोड़ा इसको छोटा कर ले, अब ये बड़ा हो रहा है। अब मान लो एवरेज कैलकुलेट करना है, तो एवरेज यहाँ से कैलकुलेट कर सकती हो, नहीं कैलकुलेट कर लोगी, इजी तो है, एवरेज हो गया, एवरेज आ जाएगा ना। एवरेज कैसे आएगा, इज इक्वल टू AVERAGE, ऐसे एवरेज आ जाएगा ना। अब यहां से यहां तक ड्रैग कर दो, टोटल वाला मत ड्रैग कर लेना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। एंटर प्रेस कर दो, आ गया, तो ये एवरेज आ गया। अब देखो ना 27.25% नंबर पाए सब, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको सेव करना है, तो सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल एस होती है, कंट्रोल एस प्रेस करोगी ये सेव हो जाएगा, ठीक है, सेव हो गया, आया है विंडो। अब यहां से सेव करना है, ठीक है ना, तो सेव करना है तो किसी नाम से सेव कर सकते हैं, जैसे मैं कर देता हूं मार्कशीट, ठीक है, ये लिख दिया हमने मार्कशीट, इंटरफेस कर दिया, ये हो गया, ठीक है, तो मार्कशीट हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। यहां पे देखो ये ड्रॉप डाउन भी है, समझ में आ रही है बात, सब कुछ सही है।
इस पे हम क्या करेंगे, बॉर्डर लगा लेंगे। ये सबको सेलेक्ट कर लो और यहां से बॉर्डर लगा लो, बॉर्डर लगा लेंगे थोड़ा बढ़िया दिखेगा। देखिए अब इन सबको अलाइन कर लेते हैं। अलाइन कैसे करेंगे, सबको सेलेक्ट कर लो और यहां पे देखो अलाइनमेंट दिया हुआ है। शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो, कंट्रोल ई यूज करोगी तो ये सब अलाइन हो जाएगा, ठीक है। या फिर यहां पे क्लिक कर दो, ये देखो सब अलाइन हो गया, बीच में सेंटर में हो गया, सेंटर में हो गया ना सब। लेकिन हम चाहते हैं हाई जो है ना ये जो है लेफ्ट में ही रहे, तो इसको लेफ्ट कर दो, बाकी सब सेंटर में रखो, ठीक है। अब सुंदर दिख रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम चाहते हैं कि देखो ना ये राम जो लिखा है ना ये नीचे है ना, तो ऊपर चाहते हैं। अब जैसे मान लो ये राम जो है थोड़ा सा ऊपर इसी कॉलम में थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा तो वो टॉप पे चला जाएगा, और नीचे हो जाएगा तो बॉटम पे आ जाएगा। तो ये नीचे है, अभी हम चाहते हैं ना टॉप पे रहे ना बॉटम पे रहे, कैसा रहे, ये बीच में आ जाए। तो बीच में लाने के लिए यहां पर देखो एक दिया हुआ है बटन मिडिल अलाइन, तो इस पर क्लिक कर दोगे ना तो ये मिडिल में अलाइन हो जाएगा, ना नीचे है ना ऊपर है, बीच में आ गया, ठीक है। पूरे को मिडिल अलाइन कर दिया जाए, ठीक है। तो ये देखो सब मिडिल अलाइन हो गया, देखो मिडिल में हो गया, ना नीचे रहा ना ऊपर रहा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हो गया। अब इसके ठीक विपरीत थोड़ा सा हम चलते हैं, मतलब देखने में तो और काम करने में भी एक ही जैसा सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है। एक चीज और पता कर लेते हैं इसमें कि ये बच्चा कितने विषय में फेल है, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं काउंट, ठीक है। अच्छा काउंट से क्या होगा, मैंने बताया था ना काउंट से गिन करके नंबर बताता है, और एक और फॉर्मूला होता है जिसका नाम है काउंट ए। काउंट ए क्या करता है, टेक्स्ट को और नंबर को दोनों को काउंट कर देता है। हमको यहाँ पे दो चीजों का मिक्सअप लगाना है, एक तो काउंट लगाना है और दूसरा क्या लगाना है, इफ लगाना है, क्योंकि काउंट इफ लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां पर क्या करना है, इसको सिलेक्शन में ले लो, ठीक है, ले लिया ना। अब क्या करें, पर छोटे हो किससे, 33 से, किससे छोटे हो, अगर ये नंबर किससे छोटे हो, 33 से। अब देखो ये 33 से अगर ये नंबर छोटे हो तो वो संख्या हमें आप बताइए, हम यही कहेंगे, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में, अगर ये नंबर 33 से छोटे हो तो वही संख्या हमें बता दीजिए, एंटर प्रेस कर देंगे। देखो तीन ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें फेल है, बता दिया कि तीन सब्जेक्ट में फेल है, बाकी देखो हाई जीरो सब्जेक्ट में है, तो जीरो सब्जेक्ट 33 से कम है क्या इसमें, देखो किसी भी सब्जेक्ट में इसका 33 से कम है, गीता है, ठीक है, देखो 33 से कम है कहीं। अच्छा सीता का देखो, इसका थोड़ा और कलर बदल देते हैं, ऐसे सीता का देखो 33 से कम है क्या। अच्छा इसका देखो रानी का 33 से कम है, देखो देखो 33 से कम है इसका, देखो ये इसका 33 से कम है क्या, किसी सब्जेक्ट में है, देखो किसी में 33 से कम है, कहाँ है, इसमें नहीं है, लास्ट वाले में या अनामिका में है, तो जितने भी सब्जेक्ट में है देख लो, तुम खुदे देख लो, प्रैक्टिकल एग्जाम खुद देखो, देखो 33 से दो सब्जेक्ट में कम है, एक इसमें है एक इसमें है, मैथ में है और इंग्लिश में, दोनों में फेल है, ठीक है ना। और यहां पर ही देखो रामायण ही लिखी है, तो इसमें देखो इसका इसका भी किसी सब्जेक्ट में कमी होगा, तो काम करते इसको काला कर देते हैं, इसको गोरा कर देते हैं, मतलब व्हाइट कर देते हैं, टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का कलर व्हाइट कर दिया। अब देखो इसका इसका है क्या किसी सब्जेक्ट में, 33 से कम, एक में है इसमें है, तो एक सब्जेक्ट में फेल है। तो इस तरीके से ये कैलकुलेट कर सकती हो, ठीक है। फेल्ड फेल्ड लिख दिया हमने, फेल्ड, ठीक है, समझ में आ रही है बात। और इसी में तुम प्रयोग कर सकती हो इसका, इस सब सेलेक्ट किया, इतना ही सेलेक्ट किया हमने, देखो सेलेक्ट किया और फॉर्मेट पेंटर लगा दिया, और हम क्या करते हैं फॉर्मेट ऐसा ही बना लेते हैं, तो देखो फॉर्मेट ऐसा ही बन गया एकदम, ये कॉलम वॉलम दोबारा से वहां तुमको डालने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने ये फॉर्मेट कॉपी कर लिया, और ये फॉर्मेट कॉपी करने के बाद इस पर अप्लाई कर दिया तो ये इसी फॉर्मेट में हो गया, ठीक है ना। तो ये तो रहा एक्सेल का छोटा सा एक रिव्यू दिया हमने, ठीक है ना। रो कॉलम जानती ही हो, एक क्वेश्चन पूछता है ना कि ये है फॉर्मूला बार, क्या है, और फॉर्मूला बार के किस साइड में होता है नेम बॉक्स है, देखो नेम बॉक्स है दिख रहा है, तो नेम बॉक्स फॉर्मूला बार के किस साइड में है, लेफ्ट में है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, फॉर्मूला बार के किधर है, लेफ्ट में है, ठीक है ना। इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है, ठीक है, पहले ए वाला नाम है फिर बी वाला है, ए टू जेड कर दे, देखो ए टू जेड हो गया, उसके अकॉर्डिंग नंबर चेंज हो गया सब, देखो हो गया कि नहीं। इस तरह से शॉर्टिंग भी कर सकती हो, सब बता चुके हैं पहले ही, ठीक है ना। अब चलो चलते हैं लिब्रा कैल्क पे, आ गए
यही सेम चीज हम लिब्रा कैल्क पे लेके आते हैं, सेम चीज, यही सेम चीज हमको करना है लिब्रा कैल्क पे। तो कैसे करेंगे, तो लिब्रा कैल्क पे चलते हैं पहले। और यहां पे क्या दिया था तुमने, रोल नंबर दिया था ना इस हाँ? अरे हो जाएगा, देखो हो गया, आ गया ना, थोड़ा धीमे है, असल में क्षमता से ज्यादा काम ले रहे हैं इससे, ठीक है ना। तो ये सब देखना, ध्यान देना, पूछता है कि बाय डिफॉल्ट कितनी विथ होती है, 2.27 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का रखा है हमने, यहां से चेंज भी हो जाएगा, ये देखो व्यू टैब होगा, यहां से जाके तुम वही सब चेंज कर लोगी, देख रही हो, समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां पे देखो, अब यहां पे स्टूडेंट का नेम आएगा, स्टूडेंट नेम, ठीक है। अब स्टूडेंट नेम के लिए हमें क्या बनाना है, ड्रॉप डाउन बनाना है। तो यहां पर ड्रॉप डाउन हुआ कहां से बनेगा, यहां पर ड्रॉप डाउन बनाना पड़ेगा ना, 7 था तो 7 तो बनाना पड़ेगा। तो यहां पर ड्रॉप डाउन कैसे बनाएंगे, डाटा टैब पे जाएंगे, देखो इसमें कहीं ड्रॉप डाउन के लिए है क्या, जैसे वहां पे दिया था, कहीं दिख रहा है कुछ, यहां पर एक ऑप्शन मिलता है आपको वैलिडिटी का, वहां पर क्या था, डेटा वैलिडेशन था, यहां पर क्या है, वैलिडिटी है, ये देखो वैलिडिटी दिया है, आ गया यहां पे। अब इसी तरह का एक बॉक्स एक्सेल में भी खुला करता था, याद है, यहां पर जाकर के क्या करना है, इसको कर देना है लिस्ट, वहां पे भी लिस्ट करते थे, यहां पर भी कर देंगे लिस्ट, ठीक है ना। अब यहां पे लिखेंगे, यहां पे तो अभी जब इरेज करके और एंटर करोगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब यहां सेलेक्ट करो एनी आ गया, यहां सेलेक्ट करो अनामिका आ गया, अभी कॉमा हटा लेना, कॉमा नहीं हटाया हम, ठीक है, ये आ गया, इस तरीके से ये कर सकते हो, कॉमा भी हटा लो, यहाँ पे कितना था, यहाँ तक था, कहाँ तक था देख लेना, और यहाँ पे जाके और फिर ये वैलिडिटी पे जाके कॉमा हटा दो, ये जो कॉमा लगाई हो, कॉमा तो हट ही गया जी, कॉमा नहीं है अब, ओके कर दो, लेकिन इसमें दिख रहा है, दिखने का मतलब कि है, तभी दिख रहा है, कॉमा कैसे हटेगा, यहाँ पे वापस जाओ, वैलिडिटी पे जाओ, ठीक है, और यहां से लिस्ट था ना, ओके कॉमा अभी भी आ रहा है, एक काम करो हटा दो, अब चलो अब नहीं आएगा कॉमा, आ गया अनामिका रानी श्रेया राम हो गया। इस तरीके से इसमें ड्रॉप डाउन बन जाएगा। और यहां पर भी इनेबल फिल हैंडल है, कैसे पता इनेबल फिल हैंडल है, यहां पे 1 लिखा और यहां पे 2 लिखा, ठीक है, इन दोनों को सिलेक्शन में लिया, और देखो यहां पे दिख रहा है तुमको, तो ये यहां से खींच दोगी ये ऐसे आ जाएगा। अब यहां पर भी रैंड बिटवीन फॉर्मूला यूज कर सकते हो, थोड़ा नाम वाम लिखो तुम लोग, तो तुम क्या करोगे बैठ के, सब हम ही करें, करो ये तो फॉर्मूला लगा है ना, तो फॉर्मूला लगा है तो बाहर क्लिक करने पे चेंज होगा, ठीक है, देखो फिर चेंज हो गया ये, ठीक है, तो इसको फ्रीज करना पड़ेगा कि ये वैल्यू बन जाए, तो राइट क्लिक कर लो, कीबोर्ड पे कर रहे हैं, ठीक है, कीबोर्ड से राइट क्लिक किया, कॉपी किया, फिर कीबोर्ड से राइट क्लिक किया, फिर यहां से पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे, फिर इसको बना लेंगे नंबर, क्या बनाएंगे, फॉर्मूला था नंबर बना लेते हैं, नंबर बना लिया, ओके कर दो, अब ये चेंज नहीं होगा, कितना हो बाहर क्लिक करो चेंज नहीं होगा, कितना कितना चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगाओ, वैसे ही सम का फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा, अच्छा यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, भाई एरर है, क्या है, कौन सी वैल्यू है, इसे एरर कहते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू सम, यहाँ पर टैब काम नहीं करेगा, शिफ्ट के साथ तुमको प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको यहाँ से सिलेक्शन में लो और इसको यहां से बंद कर दो और एंटर कर दोगी तो ये आ जाएगा, आ गया, समझ में आ रही है बात,
और फिर यहां से एवरेज, तो इज इक्वल टू ए बी ई आर ए जी ई, एवरेज हो गया। फिर देखो टैब प्रेस किया तो ये इस तरह तरीके से दिक्कत होगा, तो ये ए बी ई आर ए जी ई लिख करके पहले यहां से ओके कर लो। अब इज इक्वल टू एवरेज, अब देखो फॉर्मूला जो है फॉर्मूला बार से भी यहां से भी लगा सकती हो, एफएक्स पे क्लिक करोगी तो ये इस तरीके से खुल जाएगा, और यहां पे सर्च कर लो, एवरेज सर्च करना है ना, तो एवरेज सर्च कर लो, और यहां से C2 से F2 आ गया ना यहां पे, तो ये C2 ही है और ये क्या है F2 है ना, एंटर प्रेस कर दो, यहां पे आ गया एवरेज। इस तरीके से एवरेज निकाल पाओगी, ठीक है। अब भाई सब जो है इसको सिलेक्शन में लेकर के बॉर्डर बनाना है, यहां दिया हुआ है बॉर्डर, यहां से देखो ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दो, ऑल बॉर्डर बन जाएगा, इस तरीके से बॉर्डर बन जाएगा, ऊपर सब इधर उधर करना है या सही सलामत इसको बनाना है, फिर यहां से बॉर्डर की मोटाई वगैरह बढ़ा सकती हो तुम, ये देखो इस तरीके से ये दिखेगा, ठीक है। और फिर सिलेक्शन में लेकर के और इसको अलाइन करना है, तो ये देखो मिडिल में अलाइन, सेंटर में अलाइन हो गया, ठीक है, और मिडिल अलाइन करना है तो ये मिडिल में अलाइन हो जाएगा, बीच में एकदम ना ऊपर ना नीचे, एकदम बीच में, और यहाँ पे टॉप अलाइन होता है, ठीक है, ये टॉप अलाइन है और ये बॉटम अलाइन है, नीचे चला जाएगा, और ये मिडिल अलाइन है, ठीक है। बोल्ड करना चाहती हो यहाँ पे बोल्ड कर सकती हो, ऐसे इस तरीके से ये दिखेगा। तो समझ में आ गई बात कि ये कैसे फॉर्मूला वगैरह लगेगा इस पे, दोनों तरीकों से समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है।